वीडियो में आप लोगों ने गिरनार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल बनाया था, अब आप लोगों का यहाँ पर गिरनार अभिकर्मक से 2° या द्वितीय के एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो आप ले इसके अंदर नंबर वन, यदि आप अभिक्रिया फार्मेल्डिहाइड के अलावा किसी प्रकार का एल्डिहाइड ले लो, आप लोग एसिटाल्डिहाइड ले लो या 3 कार्बन का लो या 4 का 5 का 6 का किसी का भी ले लेना, उसी से आपका द्वितीय के एल्कोहल प्राप्त होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम अपन जानते हैं, क्या होता है एसिटाल्डिहाइड का नाम, एथेनिल। ठीक है बेटा, क्या नाम होता है, एथेनिल। और सूत्र क्या होता है, CH3CD1 और ये H, ये एसिटाल्डिहाइड का सूत्र। ठीक, अब आप एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया कराओ, किसके साथ, गिरनार अभिकर्मक की क्रिया कराओगे, फिर वो योगोत्पाद बनाना है और फिर उसी का वही अम्ल जल अपघटन कराना। देखो तो आप लोगों ने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, CH3CD1 प्लस CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या आएगा बेटा, धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, लगाए दोगे प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर CH3 कहाँ जाएगा, जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या सॉरी प्लस वाला है, और माइनस वाला यहाँ देखो ये प्लस वाले के साथ क्या जाएगा यहाँ, तो आप योगोत्पाद बनाओगे। योगोत्पाद वो कब, वही मतलब वही कंडीशन बनानी है आपको, CH3 फिर ये CCH3 यहाँ पर H और यहाँ पर ये OMgBr। ठीक है, क्या बना ये योगोत्पाद बना। अब योगोत्पाद का आपको अम्लीय जल अपघटन कराना है, बने हुए योगोत्पाद को वापस उतारूं, तो CH3 ये CH3 यहाँ पर ये OMgBr और ये H प्लस क्या लोगे HOH और आप कराओगे H3O+ लिख देना या फिर H+ लिख देना, वही MgBrOH बाहर निकाल दो बेटा, यहाँ से ये लो और ये बाहर निकाल दिया MgBrOH, बचे हुए OH को यहाँ जोड़ दो। बोलो CH3 CH के नीचे OH लटक रहा है और ये CH3 मतलब 2-propanol या आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन गया, बना के नहीं बना, अरे CH3 ये CH और क्या बना OH और ये CH3 प्लस MgBrOH, तो आपका बनेगा 2-propanol या propan-2-ol, बिल्कुल सरल सी विधि, वही कंडीशन देखो, प्लस माइनस करना, यहाँ पर ही प्लस माइनस का चिन्ह लगाना और आप योगोत्पाद बनाओगे। योगोत्पाद का मतलब क्या होता है बेटा, कि दो अभिकर्मक लिए और दोनों को जोड़ दो और जोड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई अणु भार मत निकालना, तो वो योगोत्पाद कहलाता है, अर्थात योग कराना होता है इसके अंदर। ठीक है, योग में सब कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना नहीं है। फिर उसके बाद योगोत्पाद बना, अम्लीय जल अपघटन कराओ और उसके बाद आप लोग क्या बना दोगे, आप लोगों का बनेगा 2° ये वाला रहा, जिसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, अगला विधि सेकंड विधि है बेटा एस्टर के साथ, और एस्टर के अंदर आप लोग यहाँ पर क्या लोगे, फार्मिक एस्टर लेना है आपको, सेकंड एल्कोहल सही है सेकंड विधि, और सेकंड के अंदर आ लेंगे ना आप फार्मिक एस्टर लिख देना, फार्मिक एस्टर कर दो इसको, सूत्र HCD1OOCH3 कर दो, ये आपका फार्मिक एस्टर। ठीक है, अब यहाँ सुन लो बेटा, इस फार्मिक एस्टर के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों को 2 मोल लेने हैं, किसके 2 मोल किसके लेने हैं, इसके एक उसके गिरनार में, सुनो अभी पहले 1 मोल की ले लेते हैं MgBr, ये लो वही आपका माइनस प्लस, तो समझ में आ ही रहा है आपका, ये तो माइनस हो गया और ये प्लस वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया और ये माइनस वाला, ये तो पहुंचा दो यहाँ पर, इसको पहुंचा दो यहाँ पर, आपका उत्पाद ये उत्पाद HCOMgBr, यहाँ पर क्या जोड़ दोगे CH3 और यहाँ पर OCH3। ठीक है, तो ये बन गया योगोत्पाद। अब योगोत्पाद बना है तो वही क्या कराना है इसका बेटा, अम्लीय जल अपघटन कराना है। अपन इसको वापस उतार लेते हैं, किसको, जो योगोत्पाद बना HCOMgBr और क्या नीचे जोड़ रखा है अपन ने CH3 और ये बेटा OCH3। ठीक है, क्या कराना है इसका भी, अम्लीय जल अपघटन प्लस HOH और H3O+ लिख देना, लिख दिया। अब सुनो बेटा, यहाँ से MgBrOH तो बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं, क्या निकलेगा ही वो तो ठीक है परमानेंट। ठीक है, यहाँ से इस H को लेना और यहाँ से ये OCH3 करके बाहर निकालना, CH3OH बाहर निकाल देना, उत्पाद नहीं है ये मैथिल एल्कोहल, वैसे ही
बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा सह उत्पाद। अब बचा हुआ ओ, ये बच रहा है ओ, यहाँ देखो कैसी फोटो बनी है, सी एच थ्री सी डी यू बंद है, एसिटेल्डिहाइड बनेगा। तो कहने का मतलब है दो मोल गिरनार अभिकर्मक लोग, और एक मोल क्या लेना है आपको, एक मोल लेना है फार्मिक एस्टर, और दो मोल क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, अरे पहले मोल में तो बना ये वाला सिस्टम, कौन सा एच सी डी बंद ओ सी एच, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत, सी एच थ्री एच, ये तो पहले मोल में बना प्लस आपको बना सी एच थ्री ओ एच, और प्लस क्या बना एम जी बी आर और ये ओ एच, बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब ये तो आपका एक मोल कब आया गिरनार अभिकर्मक का, जब एक मोल काम आया तो आपका बनेगा एसिटेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बनेगा जब एक मोल लिया आपने, ठीक है। अब बना हुआ एसिटेल्डिहाइड ना, वापस जो दूसरा मोल है ना गिरनार अभिकर्मक का, उससे क्रिया करेगा जस्ट जो अभी मैंने आपको बताई है, और फिर क्या बन जाएगा द्वितीयक अल्कोहल और आपका एम जी बी आर ओ एच, और वैसे निकाल देना। तो आप लोग क्या करोगे, ये तो लेना फार्मिक एस्टर, योगोत्पाद बना दोगा, फिर उसका वही अम्लीय जल अपघटन कराना, यहाँ से H लेना ओ सी एच थ्री बाहर निकालना, मतलब सी एच थ्री ओ एच बाहर निकालना, फिर वही एम जी बी आर ओ एच बाहर निकालना, बचा हुआ O ये रहा, इस O को यहाँ दे देना सी एच थ्री सी डी वन ओ और ये H, क्या बन गया एसिटेल्डिहाइड, बन गया एसिटेल्डिहाइड। अब बना हुआ एसिटेल्डिहाइड क्या करेगा, कितने मोल ले रखे गिरनार अभिकर्मक, दो, तो दूसरे से क्रिया करेगा, दूसरे से क्रिया करेगा तो मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, इसको यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखो अब आपका जो मुख्य उत्पाद बना है क्या बना है सी एच थ्री सी डी वन ओ एच प्लस दूसरा क्या ले रहे हो, अरे दूसरा मोल ले रहे हो गिरनार अभिकर्मक का, यहाँ पर वही प्लस, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये वाले को यहाँ जोड़ो और ये वाले को यहाँ जोड़ो, क्या बना दोगे सी एच थ्री सी एच थ्री यहाँ पर एच ओ एन जी बी आर, ये बनेगा योग उत्पाद, बोलो बड़ा कि नहीं बड़ा। अब बने हुए योगोत्पाद का वापस क्या करा दोगे, अम्लीय जल अपघटन करा देना, नीचे उतार लो या यहीं करा दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या बाहर निकलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस एम जी बी आर ओ एच, बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा एम जी बी आर ओ एच, यहाँ से एच ले लेना ये पूरा बाहर निकाल देना, और प्लस आपका उत्पाद बन गया सी एच थ्री सी एच ओ एच और ये सी एच थ्री अर्थात टू डिग्री एल्कोहल। तो अब बात समझ में आ गई कि यदि आप एस्टर लोगे, नोट करके बात बोल रहा हूँ कि यदि आप लोगों ने एस्टर लिया तो गिरनार अभिकर्मक के दो मोल काम आएंगे और एस्टर का एक मोल काम आएगा, फिर यहाँ पर पहले पद में बनेगा एसिटेल्डिहाइड, बना हुआ एसिटेल्डिहाइड दूसरे मोल गिरनार अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा और आपका बना देगा द्वितीयक अल्कोहल, समझ में आ गई। तो ये आप लोगों की थी बेटा द्वितीयक अल्कोहल बनाने की विधि, पहली विधि किसके साथ थी एसिटेल्डिहाइड के साथ, और दूसरी विधि आपकी फार्मिक एस्टर के साथ, ठीक। अब तीसरा है आप लोगों को तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि है, तो गिरनार अभिकर्मक से आपको तृतीयक अल्कोहल बनाना है, ये भी अच्छी विधि है, और अब तो मैं समझता हूँ आप लोग आराम से कर सकते हो, मैं यदि तुम लोगों को एग्जांपल दूँ तो घर पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, कि कहने का मतलब मैं आपको बताऊँगा किस किस से, तो गिरनार अभिकर्मक, गिरनार अभिकर्मक से थ्री डिग्री या तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि, ठीक है। अब देखो इसमें पहली विधि है बेटा कीटोन से, कौन से कीटोन, और कीटोन को अपन एसीटोन भी बोल सकते हैं, प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, प्रोपेनॉन इसका यूपीएससी नाम है, सामान्य कंडीशन में इसको कीटोन बोलोगे, इसको बोलोगे आर सी ओ आर, ठीक है। दूसरी विधि है बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ, जिसको नाम आप लोग एथेनोइल क्लोराइड बोलोगे। तीसरी विधि है बेटा सी एच थ्री सी ओ एन एच टू के साथ, जिसका नाम है एसिटामाइड, ठीक है, या आईयूपीएसी नाम होगा एथेनामाइड। तो ये है बेटा कीटोन, इसका नाम क्या है एथेनोइल क्लोराइड, ये एथेनोइल क्लोराइड, ये क्या है बेटा एथेनामाइड, क्योंकि सी ओ समझते के लिए आप लोग क्या लगा दो अमाइड। नंबर चार है सी एच थ्री सी डी बंद ओ सी टू एच फाइव का नाम है एथिल एसीटेट या एथिल एथेनॉइड एस्टर है, ये है मुख्य रूप से बढ़िया एस्टर, तो वो तो फार्मिक एस्टर था जब आपने एच लगाया। तो यहाँ पर
दो मोल काम आने वाले हैं किसके, गिरन्यार अभिकर्मक के, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक के कितने मोल काम आएंगे, दो मोल काम आएंगे। इसके साथ इसका नाम है एथिल एथेनॉइड, आईयूपीएसी नाम, और सामान्य तो आप लोग कीटोन से, इससे 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 बनाओगे तो आप देखो इम्पोर्टेंट विधि है सबकी सब, लेकिन एक चीज़ समझ आएंगे तो दूसरी अपने आप समझ में आएगी। देखो आप, मैं क्या करता हूँ, देखो कीटोन से बनाने की तुलना में मैं इससे कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इससे कराऊंगा गिरन्यार अभिकर्मक की क्रिया एथिल एसीटेट से, तो कीटोन बनेगा, और बना हुआ कीटोन फिर गिरन्यार अभिकर्मक से करेगा, फिर तृतीयक अल्कोहल बनेगा। तो ये विधि आपकी क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, कीटोन की भी खत्म हो जाएगी, साथ में एस्टर की भी खत्म हो जाएगी। तो पहली विधि अपन करेंगे किसके साथ, एथिल एसीटेट सामान्य नाम, एथिल एक दो एथेन प्लस ओएट, एथिल एथेनोइट इसका आईयूपीएसी नाम होगा या एस्टर होगा। तो पहली विधि अपन इसी से करेंगे, और अपन जानते हैं बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया नोट करके कि यदि किसी भी प्रकार का आप एस्टर ले रहे हो तो गिरन्यार अभिकर्मक के दो मोल काम आएंगे, पक्की बात है, ध्यान रख लेना कि दो मोल से कम में कार्यक्रम नहीं होने वाला, ये नोट करके लिख सकोगे, एस्टर लोगे तो दो मोल गिरन्यार अभिकर्मक काम आएगा। तो अपन ने एस्टर कौन सा लिया, एथिल एथेनॉइट, एथिल एथेनॉइट की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये है आपका एथिल एथेनॉइट की क्रिया किसके साथ बेटा, गिरन्यार अभिकर्मक के साथ, MgBr प्लस माइनस, माइनस प्लस, सही लगाए लोगा चिन्ह, तो प्लस को कहाँ पहुँचा दो, माइनस को प्लस के पास पहुँचा दो, और प्लस वाले को या माइनस वाले के पास पहुँचा दो, योगोत्पाद बना दो भैया। अपन ने योगोत्पाद बनाया तो CH3COMgBr OMgBr OC2H5 और नीचे क्या जोड़ दिया, CH3 क्या बना, योगोत्पाद बन गया। बने हो योगोत्पाद को वापस उतारो, क्या कराना है, परमानेंट ठेका है हमारा क्या ही, अम्लीय जल अपघटन कराना, ये तो करना ही है हमको, OC2H5 और ये आपका CH3, फिर प्लस क्या करना है, HOH अम्लीय जल अपघटन कराओ। क्या करोगे बेटा, यहाँ से तो H लेना और यहाँ से OC2H5 मतलब C2H5OH बाहर निकाल देना, यहाँ से H लेना और यहाँ से ये MgBrOH बाहर निकाल देना, देखो क्या बच रहा है, CH3C और ये O, CH3CO CH3, तो आपको उत्पाद बना CH3CO CH3 प्लस MgBrOH प्लस C2H5OH, ये कि गौण उत्पाद है, यानी कि सब एल्कोहल बन रहा है, प्राथमिक एल्कोहल बन गया सब, ये तो नहीं, बाय प्रोडक्ट है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में बनता है, इतना ज़्यादा नहीं बनता, नहीं तो यही हो जाता मेन प्रोडक्ट, एथिल एल्कोहल बन जाता यही पे। अब क्या करना है, एक मोल नहीं काम आएगा, कितने मोल काम आएंगे इसके, दो, अब ये दो मोल काम है तो दूसरा मोल फिर किसके साथ क्रिया करेगा, कीटोन के साथ। तो फिर अपन वापस इस अभिक्रिया को शुरू कर देते हैं, क्या लेना है, कीटोन लो, CH3 प्लस एथिल मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr क्या बना दोगे, वो योगोत्पाद, CH3 को तो यहाँ दो और MgBr को यहाँ दो, सही है, प्लस माइनस लगाए लोगा, लगा लोगा तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 इसके नीचे क्या लगा दिया, CH3 यहाँ क्या बनेगा, OMgBr और यहाँ बनेगा आपका CH3, बोलो हो गया। अब ये बन गया योगोत्पाद, अब योगोत्पाद बनाए बेटा, अब योगोत्पाद बनाए तो योगोत्पाद का यही करा देता हूँ मैं, अम्लीय जल अपघटन, कौन सा अम्लीय जल अपघटन, देखो अम्लीय जल अपघटन है, MgBrOH तो बाहर निकालोगा, अब देख लो आराम से, CH3 और C के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, जिसको बोलोगे 3° एल्कोहल। तो उत्पाद के रूप में अपन यहाँ लिख दें, फिर आगे नहीं तो आप वापस उतारना, फिर अम्लीय जल अपघटन कराना, खुला खुला लिखना, आप क्या करोगे फिर बनाना CH3OH, ये CH3 और ये CH3 और प्लस करके माइनस क्या बाहर निकल रहा है, MgBrOH, तो नाम हो गया 3° या फिर तृतीयक एल्कोहल। तो आप लोग एथिल एथेनॉइट लोगे, गिरन्यार अभिकर्मक क्रिया कराओगे, योगोत्पाद बनाओगे, योगोत्पाद से क्या बनेगा, कीटोन, जिसको एसीटोन बोलो, प्रोपेनॉन बोलो, या फिर आप लोग कह सकते हो कीटोन तो है, उसके बाद ये कीटोन की क्रिया किसके साथ कराओगे,
मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, प्लस वाले को यहाँ पहुँचाओ, माइनस वाले को यहाँ पहुँचाओ, वो योगोत्पाद बनाओगा। योगोत्पाद बनते ही तुरंत जलीय अम्लीय जल अपघटन करा देना, MgBr OH परमानेंट बाहर निकालना, बाकी समूह को जोड़ देना ये कोई, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनेगा तृतीयक एल्कोहल। अब अगली विधि है आप लोगों की, जो मैंने बताया एसिटिल क्लोराइड से, एसिटामाइड से, या फिर आप लोग कह सकते हो कीटोन से, जो कीटोन की आपकी क्रिया हो ही गई है। तो एसिटिल क्लोराइड से मैं करा देता हूँ, एसिटामाइड की आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप लोग खुद करवा लेना। उसमें भी आपको समूह प्लस माइनस वाले दिखाई देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ देखो सेकंड विधि है, सेकंड विधि है एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl, मैंने बोला CO समूह जहाँ दिखाई देना उसी को ध्यान रखना, तो प्लस माइनस वाला, तो माइनस और ये प्लस, किसके साथ? गिरने आरंभीकर्मक। अब एक बात सुन लेना कि आपको कोई बड़ा एल्कोहल पूछे कि R बराबर कोई समूह जोड़ना चाहो ना, तो अपनी मर्जी से बड़ा बना सकते हो, ये कोई मैं नहीं कह रहा आप लोग हमेशा ये लेते रहो, तुम लोगों से प्रश्न उल्टा पूछ ले कि भाई गिरने आरंभीकर्मक से उस एल्कोहल का निर्माण करो जिसमें कार्बन संख्या नीचे देखो बढ़ती जाएगी ना, तो कोई सा भी आप लोग नाम दे सकते हो उसको कि ये प्राप्त करना है, तो आप कार्बन संख्या के आधार पर यहाँ पर घटक बढ़त कर लेना, समझ भाई। तो हो सकती है ऐसी कोई नहीं कि मैं CH3 समूह लेके चलो तो आप भी यही लेके चलो, तो तुमसे यदि अलग पूछ ले कि कौन सा गिरियार अभिकर्मक लोगे जिससे कि वो एल्कोहल प्राप्त हो जाए, जो पूछे, तो उसमें थोड़ा सा कार्बन संख्या को आप एडजस्ट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस और प्लस माइनस हो गया बेटा, MgBr ये प्लस और ये, इसको यहाँ पहुँचाओ और इसको यहाँ पहुँचाओ, क्या बनेगा? CH3 ये OMgBr और ये Cl, क्या बना बेटा? योगोत्पाद बने। हो योगोत्पाद का क्या कराना है आपको? क्या कराना है? अम्लीय जल अपघटन कराना है। तो CH3COCl हो गया ना, यहाँ पर भी दो मोल काम आने वाले, तो CH3CO OMgBr और ये CH3 और यहाँ पर ये Cl प्लस HOH, वही कीटोन बनेगा बेटा, यहाँ पे भी दो मोल काम आने बेटा, ये H और ये Cl, HCl, ये MgBrOH और ये कीटोन, तो इसमें भी आपके कितने मोल काम आएंगे? दो मोल काम आएंगे। तो CH3CO CH3 प्लस MgBrOH। आगे आप लोग इस कीटोन की क्रिया वापस करा देना, ये काम आपका है, ठीक है। अब एक विधि ये वाली, तो देखो आप समझ में आ गए होगा, प्लस माइनस योगोत्पाद, फिर HCl बाहर निकालना, माइनस HCl और कीटोन बना देना, ये कीटोन बन गया। अब कीटोन को क्या करना बेटा, क्योंकि दो मोल काम आ रहे हैं, कीटोन को वापस उतारना और उसके बाद CH3MgBr की क्रिया कराना, फिर योगोत्पाद बनाना, फिर तृतीयक एल्कोहल बनाना। फिर थर्ड विधि है आप लोगों की बेटा एसिटामाइड से, एसिटामाइड का सूत्र क्या होगा? ये NH2 है बेटा एसिटामाइड। अब एसिटामाइड का सूत्र है तो आपका योगोत्पाद भी क्या बनेगा? ये वाला NH2। अब यहाँ पर भी दो मोल काम में लेना, क्या हो गया बेटा यहाँ पर? ये NH2। अब NH2 के हिसाब से यहाँ पर बाहर निकलेगा माइनस NH3, बोलो अमोनिया बाहर निकलेगा, वही फिर कीटोन बनेगा, और बने हुए कीटोन पर वापस आप गिरने अभिकर्म का क्या कराओगे? योग, और फिर तृतीयक एल्कोहल बना देना। तो कीटोन के साथ तो एक मोल, एथिल एसिटेट के साथ दो मोल, एसिटिल क्लोराइड के साथ भी दो मोल, और एसिटामाइड के साथ भी दो मोल। तो प्राथमिक एल्कोहल आप बनाओगे फार्मेल्डिहाइड के साथ और एथिलीन ऑक्साइड के साथ, द्वितीयक एल्कोहल बनाओगे आप लोग फार्मिक अम्ल के साथ जिसमें दो मोल गिरने आरंभीकर्मक काम आएंगे, और एसिटाल्डिहाइड के साथ, और कीटोन से बनाओगे तो तृतीयक एल्कोहल बनेगा, एसिटिल क्लोराइड से बनाओगे तो तृतीयक एल्कोहल बनेगा, और एथिल एसिटेट से कराओगे तो भी तृतीयक एल्कोहल का क्या होगा? निर्माण। तो ये इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं बेटा गिरने आरंभीकर्मक से। इस प्रकार से आप लोग क्या बनाओगे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का क्या करना है आपको? निर्माण करना है। हाँ बेटा देखो, गिरने आरंभीकर्मक के बाद अगली जो विधि है, अगली विधि का है प्राथमिक एमीन से, नेक्स्ट विधि बनाने की प्राथमिक एमीन से। आप जानते हैं प्राथमिक एमीन क्या होते हैं बेटा? RNH2, जिसको आप लोग प्राथमिक एमीन बोलो, और प्राथमिक एमीन के अंदर आप लोग मुख्य रूप से यहाँ पर R बराबर बेटा क्या लोगे? यहाँ लेना R बराबर C2H5 लेना, और R बराबर CH3 समूह को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है मैं बताऊंगा आपको बाद में,
पहले आप लोग सबसे पहले क्रिया कराओगे RnH2 की क्रिया करा लेना नाइट्रस अम्ल के साथ, और नाइट्रस अम्ल को हमेशा अभिक्रिया मिश्रण में बनाया जाता है, लेकिन आपको तुमको एक अभिक्रिया याद आएगी जिसका नाम है डाई एजोटीकरण। और डाई एजोटीकरण आप लोगों को पार्ट नंबर 10 में, जिसमें आप लोगों ने गाटरमान अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, सीमान बल्ज़म अभिक्रिया भी आप लोगों ने पढ़ी थी, जिसके अंदर आप लोगों ने C6H5 Cl का निर्माण, Br का निर्माण, I का निर्माण और F का निर्माण किया था, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडबेंजीन बनाया था। तो नाइट्रस अम्ल को हमेशा अभिक्रिया मिश्रण में बनाएंगे NaNO2+ सांद्र HCl के साथ क्रिया से। तो प्राथमिक अमीन ले रहे हैं अपन CH3CH2NH2 की क्रिया, आप लोग नाइट्रस अम्ल, और नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है बेटा HNO2, और नाइट्रस अम्ल को हम इस प्रकार से लिखते हैं O N D बंद O, ध्यान रख लेना ये नाइट्रस अम्ल को लिखने का एक तरीका है, नाइट्रस अम्ल को, और यहाँ एरो के ऊपर लिखेंगे सांद्र HCl प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, ध्यान रख लेना। जब आप लोग अभिक्रिया मिश्रण के अंदर सांद्र HCl प्लस NaNO2 डालोगे ना, तो अभिक्रिया मिश्रण में नाइट्रस अम्ल का निर्माण होगा, नाइट्रस अम्ल आपको लैब के अंदर बना हुआ नहीं मिलेगा, ये बनाना पड़ता है अभिक्रिया मिश्रण में। तो नाम इसका क्या हुआ, नाइट्रस अम्ल। और लिखने का तरीका ये देखो, इधर यहाँ से तो दोनों के दोनों H लेना, और यहाँ से बेटा O ले लेना, क्या बाहर निकल रहा है, जल, दो H और एक O, जल। यहाँ से N लेना और ये N लेना, N2 बाहर निकलना, अपने आप क्रिया होने वाली है। तुमको कभी लैब में जाने का मौका मिले तो बढ़ाएंगे आपको नाइट्रस अम्ल, जब बनाओगे तो पूरी टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, अर्थात एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, यहाँ पर किसी ताप की या दाब की आवश्यकता नहीं है, अभिक्रिया अपने आप चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा, जब गर्म होगा तो वाष्पीकरण होगा तो जल बाहर निकलेगा, N2 तो हल्की गैस है, अपने आप ही बाहर निकलेगी, इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, ठीक। अब क्या बच रहा है, इधर जोड़ना है, तो आपका बन गया CH3CH2OH प्लस H2O और प्लस N2, और ये बन गया आपका एथेनॉल। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर R बराबर C2H5 लोगे, अर्थात यहाँ पर ये अनेक प्रकार के मध्यवर्ती बनते हैं, यदि आपने R बराबर CH3 ले लिया तो यहाँ पर बेटा डाईमेथिल ईथर, ठीक है, मतलब ईथर का निर्माण यहाँ पर होने वाला है, मुख्य रूप से ध्यान रख लेना कि यहाँ पर ईथर एक छोटा समूह होने के कारण नाभिक स्नेही का कार्य है। RnH2 करोगे ना अलग अलग है तो Na+ बनता है, NaNO2 में NO2- बनता है, ठीक है बेटा, और H+ और Cl बनता है तो HCl से भी Cl का उत्पाद बनाओगे तो एथिल क्लोराइड बनेगा, मतलब मेथिल क्लोराइड भी बनता है, फिर H के साथ क्रिया कराओगे तो एथेन भी बनता है, और यहाँ पर NO2 के साथ कराओगे तो नाइट्रो एल्केन भी बनता है, तो यहाँ पर बहुत सारे उत्पाद बन जाते हैं, इसलिए R बराबर, या आप तो ध्यान ना रहे तो R ही लिख देना, R बराबर कुछ मत लिखना, नहीं लिखना चाहो तो R बराबर C2H5 लिखोगे आप, और आप लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट विधि बेटा, ये तो आपकी प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया थी, और प्राथमिक एमीन के साथ आपका क्या बनेगा, एथेनॉल, और नाइट्रस अम्ल को एक तरह से लिखने का क्या बेटा तरीका। अब अगली विधि है, नेक्स्ट विधि, एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से, एल्डिहाइड तथा कीटोन के क्या करेंगे बेटा, अपचयन से। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से, ठीक है बेटा, अपचयन के रूप में आप लोग Ni ले सकते हो, Pt ले सकते हो, आप Pd ले सकते हो, ध्यान रख लेना ये उत्प्रेरक के रूप में। नंबर दो उत्प्रेरक, आप उत्प्रेरक के रूप में Li AlH4 लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड लो, आप उत्प्रेरक के रूप में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड लो, आप उत्प्रेरक के रूप में Zn+HCl ले सकते हो, आप उत्प्रेरक के रूप में ZnHg ले सकते हो, आप उत्प्रेरक के रूप में Rd-P, मैं आप पहले ही बताया था मैंने Rd-P या वह HI ले सकते हो, ठीक है। और आप लोग उत्प्रेरक के रूप में जब Na+C2H5OH लो, Na और C2H5OH लो, तो उस अपचेन का नाम है, और उस अपचेन का नाम है बेटा बुओ ब्लांक अपचेन है, क्या नाम है, बुओ ब्लांक अपचेन। उत्पाद वो के हुए बनने वाले हैं, लेकिन उत्प्रेरक क्या लेना है, C2H5OH+NH का, यदि C2H5 और
Na प्लस C2H5 की क्रिया कराओगे तो बनेगा सोडियम एथोक्साइड, और सोडियम एथोक्साइड जो बनेगा उसका नाम है बुओ ब्लांक कपचेन। क्या बोलोगे इसको? बुओ ब्लांक। अब यहाँ पर अपन क्रिया कराएंगे अलग अलग, और अपचेन कराओगे एल्डिहाइड का, जब अपचेन कराओगे तो आपका प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, और जब आप लोग कीटोन का अपचेन कराओगे तो आपका बेटा द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होगा, तृतीयक एल्कोहल आप यहाँ नहीं बनाओगे। तो यहाँ पर NiPTPD LiAlH4 और आप लोग उत्प्रेरक के रूप में क्या ले रहे हो? सोडियम एथोक्साइड, या हम कह सकते हैं क्या एथिल एल्कोहल प्लस। तो आप लोग सबसे पहले जब एसिटाइल्डिहाइड लिया तो आपको प्राथमिक एल्कोहल बनाना है प्लस, अब चेन कराओ आप H2 लो, क्या ले रहे हो? Ni ले लो, Pt ले लो, Pd ले लो, कुछ भी ले लो, ये तो साधारण अपचयन है। और NaBH4 LiAlH4 ले तो संकुल अपचयन कहलाता है वो, और Na प्लस C2H5 OH लो तो उस अपचयन का नाम है बुओ ब्लांक अपचयन। क्या नाम है उसका? बुओ ब्लांक अपचयन। तो देखो एक H तो बेटा इसको दो ताकि CH3CH2 हो जाए, एक H इसको दो तो आपका उत्पाद बनेगा CH3CH2OH प्राथमिक एल्कोहल। नंबर दो, कीटोन ले रहे हो तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, देख सकते हो आप, ये कीटोन ले लिया, कीटोन ले लिया तो वही H2 लो, H2 उत्प्रेरक के रूप में अपन क्या ले लें? आप Na प्लस C2H5OH लो, या हम कह सकते हैं C2H5ONA यू लो, या यू लो कोई दिक्कत नहीं है। उस अपचैन का नाम होगा बुओ ब्लांक अपचैन। एक H तो यहाँ दो और एक H यहाँ दे दो, एक H दिया तो CH और एक दिया तो ये OH, तो यहाँ पर करोगे CH3CHOH और ये CH3। ठीक है बेटा, अब उत्प्रेरक आप लोग चेंज करते रहो, कोई दिक्कत ना, कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो दुनिया का कोई सा भी, जब लोगे तो उस कंडीशन के अंदर प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, और यदि आप कीटोन ले रहे हो तो बेटा द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट विधि आप लोगों की अगली है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से और एसिटिल क्लोराइड के अपचयन से, दोनों विधि एक साथ ही है। तो एसिटिल क्लोराइड, पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये वाली विधि नहीं बेटा, पॉज कर मैं इसको अपचयन। अब एस्टर के अपचयन से देखो बेटा, ऑन कर दिया क्या? एस्टर आप लोगों का ये ले लो OC2H5 और प्लस यहाँ पर अपचैन H2 के रूप में आप लोग अपचैन कुछ भी ले लेना, NiPTPD जो भी उत्प्रेरक है ना वो ले लो कोई से भी। क्या करना है? यहाँ से एक H लो और ये एल्कोहल बना दो, बाकी इसको क्या कर दो? LDHD के रूप में छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, जल अपघटन भी करा सकते हैं इसका अपन, ऐसी कोई बात नहीं। CH3CH+C2H5OH एक तो कंडीशन ही है, दूसरी कंडीशन के अंदर यदि अपन इसका क्या करा रहे हैं? जल अपघटन करा रहे हैं, जल अपघटन कराएं, जल अपघटन कराएं तो आपका बनेगा बेटा CH3CD1OH+C2H5OH। तो ये तो जल अपघटन की कंडीशन है और ये अपचयन की कंडीशन है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि साहब ये गलत है, ये दोनों के दोनों सही है, लेकिन ये जल अपघटन कराना, और जल अपघटन कौन सा होगा बेटा? अम्लीय जल अपघटन होगा। और इस अभिक्रिया को वैसे एक छदम कोटि की अभिक्रिया आती है, जिसमें ये क्या वाला है, ये जो बना हुआ एसिटिक अम्ल है स्वयं इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। पहले तो ये धीमी गति से संपन्न होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है बेटा? तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर ये अपचयन जल अपघटन का है और ये वाला कौन सा है बेटा? अपचयन का। तो इस प्रकार से आप लोग कि ये एल्कोहल बनाने की कुछ विधियाँ हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा, एल्कोहल की भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, और एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म के बाद उसके रासायनिक गुणधर्म, और उसको एल्कोहल का अंतर परिवर्तन, और लास्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की विभेद की विधियाँ पढ़ेंगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।